अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल होंगे? ठीक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, अपने घरों में ठहर के से होंगे। आज मैं आपको आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी। अच्छी लगी होगी आप लोगों को शायद, तो ज़रूर देखिएगा रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ दूध वाली सेवइयां। तो अब मैं बनाने वाली हूँ दूध वाली सेवइयां, और ये मैंने ली है सेवइयां, और ये मैंने ना कुछ बादाम ये लंबे लंबे काटे हुए हैं, कुछ मैंने क्रश किए हैं। ये मैं कुछ अंदर डालूंगी, कुछ गार्निशिंग के लिए डालने दूंगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, और ये कुछ मैंने गरी ना लंबी लंबी काटी, कुछ मैंने ये क्रश किए हुए हैं, और ये ड्राई मिल्क है 3 से 4 टेबल स्पून। ये छोटी इलायची है 3 से 4 चम्मच, ठीक है। ये 1 किलो मैंने दूध लिया है फ्रेश, और ये हमने पैन ले ली, इसमें हम डालेंगे घी 1 चम्मच भर के। हमने घी ले लिया, और हमने 1 चम्मच घी ले लिया, और इसको अब मेल्ट करेंगे। और ये देखिए हल्का हल्का मेल्ट होने लग पर है, अच्छी तरह से हो जाएगा, तो फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची, अब इसको भूनेंगे। ये इलायची सही तरह हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सेवइयां, हम इसमें डालेंगे सेवइयां। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, ताकि वो नरम हो जाए। और ये लाइट ब्राउन हो गया, इसमें अब 2 कप पानी ऐड करेंगे। चलिए हम डालते पानी। अब मिक्स करेंगे, जब तक ये पानी खुश नहीं हो रहा हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए बॉईल आ रहा है अभी सही। तो वैसे ये मेरे मामा का चैनल है, तो मेरा शौक है कि मैं भी अपनी रेसिपी बनाऊं, और मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की मेरी रेसिपी अच्छी लगे, और बच्चों को साथ देना, बच्चे को साथ देना आप लोगों का फर्ज है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और शेयर भी करें। ये पक गई हैं, और अब हल्की हल्की ये नरम भी हो गई हैं, तो इसका ढक्कन उतारेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, दूध डालेंगे ये ले मिल्क 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 मिल्क, और इसको मिक्स करेंगे। हाफ टेबल स्पून क्रश किए हुए बादाम और जो लंबे लंबे, ठीक है। हाफ टेबल स्पून नारियल डालेंगे हम इसमें, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, अब हम इसको ढक देंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। और चीनी मैं एंड में ऐड करूंगी, इसका बॉयल आ रहा है, और जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ये गाढ़ा हो रहा है, और अब इसको हम मिक्स करेंगे। आपने मेरा भरपूर साथ देना है। मेरी एज 11 ईयर है, और मुझे कुकिंग का शौक इतना ज्यादा है कि मैं कुकिंग की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ आप लोगों की वजह से। आपने मेरे पर भरपूर साथ देना है, आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और आपकी वजह से मैं फिर ये कुक बन सकूँगी। आपको मेरी जितनी भी रेसिपी है अगर आपको अच्छी लगी तो आप बनाइएगा, और मुझे पिक्चर भेजिएगा और कमेंट्स करिएगा। ये बुलबुल बुलबुल हो रहा है, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स, अब इसको मिक्स करेंगे। अभी मुझे वीडियो नहीं बनानी आती, आप लोगों के साथ की वजह से भी मुझे अच्छी वीडियो बना सकूं। ये मेरे शीर को मैं पक गया है दूध वाली सेवइयां, अब इसको हम डालेंगे।
बिस्मिल्ला करके अब हम इसमें इस डिश के अंदर डालेंगे। अब हम इसमें इसको गार्निशिंग करेंगे बादाम और गरी के साथ। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।